हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ रोस्टर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊट पटांग रोस्ट करते हैं वीडियोस को और समझ में नहीं आता उनके कि रोस्ट करने का आखिर रीज़न क्या है, और फालतू की बकवास करते हैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पर। तो पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो रोस्टर कौन है और वो किस तरह की हरकतें कर रहा है सोशल मीडिया पर। तब पहले हम उसके बारे में जानेंगे और इसके बाद में किसको रोस्ट किया हम वो जानने वाले हैं। क्योंकि गाइस देख सकते हैं, जब से शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई थी और बिग बॉस से वापस भी आ गई है, हालांकि तो एक अभी वीडियो शिवानी कुमारी ने ब्लॉग डाला है बनाकर, उस ब्लॉग में शिवानी कुमारी अपने किसी गाँव के किसी पर्सन के यहाँ से जो भुट्टे का खेत होता है वहाँ से भुट्टे तोड़ रही थी। भुट्टा मतलब मक्के का खेत, और मक्का तोड़ रही है और अपनी गाड़ी में रख रही है, क्योंकि शिवानी कुमारी उस दिन दवाई लेने के लिए गई थी, तो उस अपने जीजा के जो भर्ती हुए थे तो उस चक्कर में गई थी वहाँ पर। लेकिन देखा जाए एक पर्सन है जिसका नाम है रजत पवार ब्लॉग, तो ये सारी जो वीडियोस है इसने अभी नई नई वीडियो बनाई है शिवानी कुमारी के ऊपर, बहुत सारी इसने वीडियोज बना रखी हैं। तो दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको। ये बंदा है, इसका है रजत पवार ब्लॉग करके है, और इस पर देखते हैं तो देख लो बड़ा पाव गल पे वीडियो इसने बनाई है शिवानी कुमारी पे बनाई। शिवानी कुमारी ने की चोरी, ये मैंने वीडियो इसकी देखी है। इस वीडियो में इसने ये बताया है कि शिवानी कुमारी अपनी जो जनता है, अपनी ऑडियंस है, उसको क्या सिखाती है। कहने का मतलब है उसने एक भुट्टा तोड़ लिया खेत से, तब ये कह बता रहे हैं कि शिवानी कुमारी अपनी ऑडियंस को क्या सिखाती है। देख सकते हैं पवार जी, पहले तो एक बात क्लियर है कि आप जो रोस्ट करते हो अच्छा बात है, रोस्ट करते हो अच्छा काम भी है रोस्ट करना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही और गलत में फैसला करना ये भी एक सोचने की बात होती है, क्योंकि बड़ा पाव गल वाले को रोस्ट करते हो वो उस काबिल है कि रोस्ट करने के काबिल है, और वो उससे हरकतें भी करती रोस्ट करने के लिए। शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई तब बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वीडियो बनाई कि उसकी आवाज़ कानों में चुभती है। आपने भी वीडियो बनाई, आपने समर्थन भी किया, नो डाउट, मैं नहीं कहूँगा कि आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन आज की डेट में आपने जो नई वीडियो बना के डाली है उस वीडियो में आपने शिवानी कुमारी को एज अ बिलियन बना दिया, और लोगों को बता रहे हो कि जो शिवानी कुमारी है वो खेतों में चोरी कर रही है, तो उससे जनता क्या सीखेगी। भाई, शिवानी कुमारी ग्रामीण एरिया से रहने वाली है और वो ग्रामीण कल्चर को अच्छे से फॉलो भी करती है, और उसके ब्लॉग्स भी ग्रामीण कल्चर के हैं, और उसकी भाषा भी इसीलिए ग्रामीण है। हालांकि वो हिंदी बोल सकती है, ऐसी बात नहीं हिंदी नहीं बोल सकती, हिंदी बिल्कुल बोल सकती है, अच्छे से हिंदी बोल सकती है, सब क्लैरिफाई कर सकती है हिंदी के दौरान, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रामीण भाषा को बोलती है, और ये सबसे बड़ी काबिले तारीफ है। जैसे कि मैंने आपका जोश टॉक पर इंटरव्यू भी सुना था, आप भी जमीन से उठकर एक अच्छे मुकाम पर आए हैं, आज आप भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आपके दो चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे ऊपर वाले की कृपा से आप। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह की वीडियोस बनाकर आप देखो, सही वीडियोस बनाओ तो अच्छी बात है, कोई नहीं, आप रोस्ट करो शिवानी कुमारी को, चाहे किसी को भी रोस्ट करो, अच्छा रोस्ट करोगे तब अच्छा सबको मजा आता है। लेकिन आपने इस तरह से रोस्ट किया है इस वीडियो में, जो चोरी वाली वीडियो बनाई है आपने, कि शिवानी कुमारी चोरी कर रही है। चोरी तो कर रही है, लेकिन चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का बहुत बड़ा पैसा हड़प लिया किसी का या ऐसा कुछ कर रही है वो। देखो, गांव में क्या होता है, गांव में बहुत सारे गन्ने के ईख के खेत होते हैं, या फिर इस तरह से मक्के के खेत होते हैं, खीरे के खेत होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो ग्रामीण लोग अगर कोई जाके किसी की सब्जी किसी खेत में से तोड़ लेता है, या मक्के तोड़ लेते हैं, या फिर गन्ने तोड़ लेते हैं, तो इतना बड़ा इशू गांव में नहीं होता है। गांव में तो लोग खुशी मनाते हैं कि हाँ चलो, इन्होंने हमारे खेत में से भुट्टे तोड़ लिए, या हमारे खेत में से ईख तोड़ ली, या हमारे खेत में से मूँगफली उखाड़ ली, गन्ना तोड़ लिया, कुछ भी, इतना लोग उस चीज़ का मुद्दा नहीं उठाते हैं। हालाँकि शहर में इन चीज़ों का बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा उठता है, क्योंकि शहर में लोग जो होते हैं वो मतलबी होते हैं, वो अपने लिए जीते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग औरों के लिए जीते हैं, दिलदार होते हैं। तो पवार जी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो तो इतना तो आपको पता होगा, अगर आप अभी नहीं रहते हो तो कभी तो ग्रामीण क्षेत्र में रहे होंगे, आप रहे होंगे, आपके पूर्वज रहे होंगे, तब आपने ग्रामीण क्षेत्र का देखा होगा कि वहाँ पर लोग इस तरह से ट्रोलिंग नहीं करते हैं, और इस तरह से किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं चंद भुट्टों के लिए। हालांकि शिवानी कुमारी ने 5-10-15 भुट्टे तोड़े हैं, तो भुट्टे तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ऑडियंस को ये सिखा रही है कि तुम चोरी करो, बिल्कुल नहीं सिखा रही है।
उसका जो ब्लॉग है वो उस भुट्टे वाले ने भी देखा होगा जिसके खेत में से भुट्टे तोड़े हैं, क्योंकि उसने पब्लिकली वो काम किया है और ब्लॉग में वो चीज डाली है। लेकिन आपने उसको इस तरह से दिखाया है कि आप रोस्टर नहीं, आप उस खेत के मालिक हो गए या उस खेत के मुखिया हो गए। आपने इस तरह से बताई है बात जनता को कि इससे जो शिवानी कुमारी की ऑडियंस है क्या सीखेगी। देखिए दोस्तों और देखिए पवार जी, शिवानी कुमारी की जो ऑडियंस है वो गांव से बिलोंग करती है और गांव वालों को अच्छे से पता होता है कि हम किसी की चीज़ तोड़ेंगे, किसी की चीज़ उठाएंगे तो उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि गांव में जितना शहर के लोग खाते हैं ना उतना गांव के लोग उड़ाते हैं। कहने का मतलब है राशन पानी जितना शहर में खाना एक टाइम पे बनता है उतना खाना, जितना पूरे दिन में बनता है शहर में खाना उतना गांव में एक टाइम पे खाना बनता है। कहने का मतलब ये, हालांकि गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। गरीब इसलिए होते हैं कि वो अपने ग्रामीण कल्चर को छोड़कर बाहर निकलते नहीं हैं और कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर वो ठीक से काम नहीं कर पाते, इसी वजह से वो पीछे रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामीण लोग गंवार होते हैं या फिर पागल होते हैं। हालांकि शिवानी कुमारी की आवाज़ आपको भी अपने कानों में करकती थी और आज उसका उसने चार चंद भुट्टे तोड़ लिए तो आपने बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो इस तरह की देखो रोस्ट वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, बनाते हो आप, अच्छा काम मेरे ऊपर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें सोच समझ के मतलब करनी होती है, क्योंकि आप एक बंदे को जज कर रहे हो और वो भी ऐसे जज कर रहे हो कि उसने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। हालांकि पहले इससे पहले भी आपने एक वीडियो बना के डाली है शिवानी कुमारी के ऊपर, और उस वीडियो में है कि शराद के ऊपर बनाई है तुमने कि शिवानी कुमारी शराद में चली गई, जो शराद मतलब जो उसके दोस्त की वो डेथ हो गई थी वहाँ पे चली गई, उसका ब्लॉग बनाया तुमने भी बोला, अरवान मलिक के उसने भी बोला। तो गाइस देख सकते हैं कि अब वो लड़की है, उसकी खास है ना खास है वो तो उस पर डिपेंड करता है, उसका ब्लॉग बनाना ना बनाना वो उस पर डिपेंड करता है, देखना ना देखना जनता पर डिपेंड करता है। तो अगर उसने वीडियोज बनाया है, ब्लॉग बनाया है, तो उसकी अपनी लाइफ है, अपना ब्लॉग बना के उसने अपलोड किया है। अब यूट्यूब ने भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब जो ये इस तरह का कॉपीराइट कंटेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हैं जो जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उसके खिलाफ है और इस तरह से उन वीडियोज़ का पैसा नहीं मिलता, उसमें जो है येलो टिक आ जाता है और डॉलर नहीं मिलता इस चीज़ का। ये आपको अच्छे से पता है कि डॉलर नहीं मिलता उस चीज़ का। उस लड़की ने वीडियो डाली है बना के, तो वो सबको बताना चाह रही है कि इनका देहांत हो गया, सबके प्रति ये बात जाहिर करना चाहती है। तो उस चीज़ का मजाक बना दिया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने कि शिवानी कुमारी ने इस तरह की वीडियो बनाई है, ये है फलाना है धमाका है, मतलब बुरी तरह से ट्रोल किया शिवानी कुमारी को। अब मक्के की बात को लेकर और उस ब्लॉग को लेकर इतना ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो वो ग्रामीण क्षेत्र से रहती है और उसने जो डेथ का ब्लॉग बनाया था तो उसको लगा कि वो ब्लॉग बनाना चाहिए था, अपनी जनता को दिखाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उसने वो घटनाएं दिखाई और जो उसने भुंटे तोड़े हैं वो उन्हें मस्ती में तोड़े भुंटे, क्योंकि आजकल देखते हैं जब हम भी गाँव में जाते हैं, हालांकि सालों बाद गाँव में पहुँचते हैं, तो हम भी किसी के भुट्टे तोड़ लेते हैं, किसी की मूँगफली उखाड़ लेते हैं, तो हमको कोई लठ्ठे लेके पीछे नहीं पड़ जाता है, या फिर हम अपने ऑडियंस को ये नहीं सिखा रहे होते हैं कि भाई ऐसे तोड़ो, हम मस्ती कर रहे होते हैं, ऑडियंस को ये बता रहे होते हैं कि भाई मस्त रहना जिंदगी में और हंसी खुशी रहना बहुत जरूरी है। तो पवार जी आपसे यही गुजारिश थी, जो आपने वीडियो बनाई है आपने अच्छी वीडियो बनाई है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने खराब वीडियो बनाई है, लेकिन रोस्ट करना ठीक है, लेकिन आपने जो रोस्ट किया है वो थोड़ा गलत है। गलत होने की वजह यही है कि आप शिवानी कुमारी को बोल रहे कि वो चोरी करना सिखा रही है, तो आप रोस्ट के जरिए क्या सिखा रहे हैं लोगों को। कहने का मतलब साफ है, जब आप एक उंगली सामने वाले पर उठाते हो तो बाकी चार उंगलियां तुम्हारे ऊपर भी उठती हैं, इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है पवार जी। बाकी ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, आप भी रोस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि कोई आदमी अपनी ऑडियंस को ये नहीं सिखाता है कि तुम चोरी करो। वो जो काम किया शिवानी कुमारी ने वो मस्ती मजाक में किया है, तो मस्ती मजाक को मस्ती मजाक रहने दो, उसको इस तरह से ट्रोल मत करो, लोगों के सामने प्रस्तुत मत करो कि हाँ शिवानी कुमारी ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, क्योंकि आपकी ऑडियंस वो चीज़ देखती है और उसको बहुत मज़ा आता है वो चीज़ देखते हुए।
बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिव विचार भी आते हैं, और फिर जब शिवानी कुमारी की ऑडियंस आपके कमेंट बॉक्स में आकर कुछ कमेंट करती है, फिर आपको लगता है कि वो आके उन्होंने कमेंट बॉक्स में बदतमीजी की हमारे साथ। तो बदतमीजी कोई नहीं करता है, उसके समर्थन में लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो अच्छा करती है अपने परिवार के लिए भी और अपने गांव के लिए भी। तो थोड़ा वो भी देखने, अगर आप किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव बातें बता रहे हो तो पॉजिटिव बातें कौन पड़ोसी बताने आएगा, पॉजिटिव बातें भी आप ही बताओ पवार जी। चलो ठीक है, मिलते अगली बेहतरीन वीडियो में, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।